हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्न संख्य व्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लविंग मी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के व्लॉग में मैं आपको पेंगुइन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, बल्कि दिखाना चाहूँगा। हम चल पड़े थे पेंगुइन की तलाश में। पेंगुइन जहाँ रहते प्रजनन करते उस जगह को रुकरी कहते हैं। तेज़ हवा ना हो, तापमान कम से कम ना हो तो ये अंटार्कटिका ही क्या हो। 30 नॉट्स विंड, -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम निकल तो पड़े थे। हमने वहाँ पहुँच कर जो नज़ारा देखा वो इस चैलेंज से काफ़ी सुकूनदायक था। धरती पर पेंगुइन की कुल 17 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनके नाम है एडली, एम्पेरर, किंग, चैंटू, चिन स्ट्रैप, मैक्रोनी, रॉक हॉपर, हम्बोल्ट, रॉयल, फेरी, स्नेयर्स, तस्मानियन, कैस्टेड, केप और गालापागोस। इनमें से 13 प्रजाति तो अभी ख़त्म होने के कगार पे हैं। एडली और एम्पेरर पेंगुइन की प्रजातियां अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर निवास व प्रजनन करती है। एडली पेंगुइन गर्मी के मौसम के आरंभ होती अक्टूबर में अंटार्कटिका की तट पर पहुंचने लगती है। ये अपना घोंसला पथरीले इलाके में बनाना पसंद करती है, छोटे छोटे कंकड़ बीनकर। बाद में आने वाली पेंगुइनों को अगर उपयुक्त कंकड़ पत्थर नहीं मिलते तो वे बने हुए घोंसलों में से कंकड़ चुराने की कोशिश करती है। इस चोरी सीना चोरी के चक्कर में रुकरी में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। जो पक्षी ताकतवर होता है उसका घोंसला बड़ा हो जाता है, कभी कभी तो जरूरत से भी ज़्यादा बड़ा और ऊंचा। प्रजनन ऋतु में एक नर और एक मादी का जोड़ा बनता है और उसे पूरे जीवन काल तक वो साथ साथ रहते हैं। लगभग 5 साल बाद मादा प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि नर पेंगुइन प्रजनन में पहले पहल करते हैं और मादा पेंगुइन को प्रजनन के लिए मनाने के पूर्वी नर घोंसले के लिए अच्छी जगह की चयन करते हैं। नवंबर में मादा एडली एक या दो अंडा देती है, अधिकांश मामले में दो। इसका अंडा सफ़ेद ही होता है लेकिन मुर्गी के अंडे से थोड़ा बड़ा। नर और मादा एडली दोनों ही बारी बारी से अंडे की हिफाजत और शिकार पर जाने की जिम्मेदारी उठाते हैं, एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। एम्पेरर पेंगुइन के बारे में कहा जाता है, जब मई के महीने में तो सूरज भी विदा ले लेता है, 24 घंटे होती है बस राती रात, तब जून के मास में मादा एम्पेरर पेंगुइन एक अंडा देती है, पर तुरंत ही नर एम्पेरर इस अंडे को उठा लेता है और अपने पंजों के ऊपर रख लेता है। अपने पेट से लटकती एक खाल से ढलकर वह इसे ठंड से बचाता है। मादा एम्पेरर खाना खाने के लिए चल देती है। बच्चों को भोजन देने का कार्य माता पिता दोनों करते हैं, पर ज़्यादातर मादा करती है। एडली पेंगुइन अपने बच्चों को तब तक पानी में फेंकते रहते हैं जब तक वो तैरने के लायक बने। जब तक अपना शिकार और खुद नहीं कर सकते तब तक एडली पेंगुइन अपने बच्चों को खुद के चोंच से खाना खिलाते रहते हैं। पेंगुइन की मुख्य खुराक क्रिल के शरीर में इतना पानी होता है कि उसके नमक से ही पेंगुइन का काम चल जाता है, यही उसके लिए पीने का पानी का मुख्य साधन है। एम्परर पेंगुइन अपने जीवन काल के 70-80% पानी में निकाल देते हैं। सागर के तट पर जहाँ भी पेंगुइन पानी में उतरती है वह लेपर्ड सील अक्सर घात लगाकर पानी में छुपी रहती है। यह धीरे धीरे तैरती हुई काली चट्टान की तरह पानी में दिखाई देती है। इसके खतरे के कारण एडली पेंगुइन के झुंडों में पानी के किनारे पर एक अनोखा व्यवहार दिखा जाता है। लाइन बनाकर एक के बाद एक पेंगुइन पहले आप करके वापस मुड़ जाती है। काफ़ी देर तक यह पहले आप का आग्रह चलता रहता है, जिसे स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन घोंसले में सबके भूखे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, खाना नहीं मिला तो वह बचेंगे नहीं। आखिर भूख और ममता से बाध्य होकर कई पेंगुइन छलांग लगा ही देती है।
और उसके पीछे तो फिर खेप की खेप एडली पानी में कूद ही जाती है। लिपर सेल पकड़ेगी तो भी एक एक को ही तो पकड़ेगी। छोटी छोटी बच्चे और पीछे देखो, पीछे वाली लाइन। एम्परर पेंगुइन पेंगुइन पक्षियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। एम्परर पेंगुइन करीब 1.25 मीटर यानी 4 फीट तक ऊंचा होता है, एक बड़े आदमी की कमर जितना लंबा। इसका वजन भी 35 से 40 किलो तक पहुंच जाता है। वही एडली पेंगुइन की ऊंचाई करीब 2 फीट होती है और वजन होता है 6 किलो तक। यह अंटार्कटिका में सबसे अधिक पाई जाने वाली पेंगुइन है। पेंगुइन की बस्तियां रुकरी कहलाती है। हर साल एडली पेंगुइन लगभग उसी स्थान पर लौटकर अपनी बस्ती बसाती है। घोंसला बनाने की ये स्थान इनकी बीट से भरी होती है। इस बीट में पाए जाने वाले कार्बन के अंश को कार्बन डेटिंग की विधि द्वारा ठीक ठीक नापकर इसकी उम्र बताई जा सकती है। एडली पेंगुइन की अब तक सबसे पुरानी बस्ती लगभग 6400 साल पहले की पाई गई है। अंडों पर बैठे हुए या बच्चों की देखभाल करते हुए पेंगुइन शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी बर्फ के कुछ टुकड़े भी उठाकर खा जाते हैं। पेंगुइन अपने जीवन काल का 70-80% पानी में निकाल देता है। पेंगुइन का काला और सफ़ेद शरीर देखने में बढ़िया सा लगता है, एकदम भूरके की तरह, पर इसका एक विशेष कारण भी है। भोजन की तलाश में जब पेंगुइन सागर में गोता लगाती है तब लेपर्ड सील और किलर वेल उनका शिकार करती है। काली पीठ के कारण पेंगुइन ऊपर की ओर से यानी सागर की सतह से नीचे की तरफ देखने पर छुप जाती है। उसका काला रंग सागर की नीली गहराई से घुल मिल जाता है और इसी तरह सफ़ेद पेट के कारण नीचे की ओर से यानी सागर के गहराई से ऊपर की ओर देखने पर पेंगुइन फिर से छुप जाती है। उसका सफ़ेद रंग आसमान की चमक में झिलमिल हो जाता है। काला सफ़ेद बुरका पानी के भीतर अपने शिकारियों को चकमा देने के लिए पेंगुइन की पोशाक है। पानी के भीतर एम्परर पेंगुइन की रफ्तार 60 किलोमीटर/घंटा से भी अधिक नापी गई है, अर्थात पानी के नीचे तेज दौड़ती एक मोटर कार की तरह। अपनी इस गति के कारण यह लेपर्ड सील और जैसे शिकारियों की पकड़ में भी नहीं आती है। क्रिल खाने के लिए इसकी डुबकियाँ भी आश्चर्यजनक है। यह ठंडे महासागर में 0.5 किलोमीटर से भी अधिक गहराई तक गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ती है। सांस लेने के लिए इसे सतह पर आना तो पड़ता है, पर एक बार में यह 15 से 16 मिनट तक सांस रोक सकती है। इसकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 4 लाख है। सारे समुद्री जानवर और पक्षी सर्दी के मौसम में अंटार्कटिका को छोड़कर उत्तर के द्वीपों की ओर पलायन कर जाते हैं। केवल 2 ही प्राणी हैं जो साल भर अंटार्कटिका में रहते हैं, एक तो एम्परर पेंगुइन और दूसरी वेडल सील। यह पक्षी न केवल पूरी सर्दी ही बिताता है बल्कि इसने अपने घर बनाने का समय भी पूरी दूसरी पेंगुइनों के बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जब अंटार्कटिका में घोर अंधेरा होता है, तूफान चलते रहते, जानलेवा सर्दी होती है, उसी समय यह अपने अंडे सेने और बच्चे पालने का काम करता है। एडली पेंगुइन की आयु केवल 15 वर्ष तक आंकी गई है। उसके मुकाबले एम्परर पेंगुइन करीब 40 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। अंटार्कटिका की सर्दी से बचने के लिए पेंगुइन का पहला कवच है पंख। पेंगुइन के भारी शरीर पर बड़े पंख होते हैं जो उसे सर्द हवा की सीधी मार से बचाते हैं, हमारे ओवरकोट की तरह। पर असली बचाव तो अंदर के पंख करते जो छोटे और देह से चिपके हुए होते। इसके बाद ठंड से बचने का दूसरा कवच है मोटापा। हर पेंगुइन का सारा शरीर चर्बी की एक दीवार जैसी मोटी परत से ढका होता है। एम्परर पेंगुइन में तो यह परत 2 इंच तक मोटी होती है और यह चर्बी उसके पूरे वजन का लगभग आधा भाग होती है, यानी देह के कुल 40 किलो में से 20 किलो में केवल चर्बी तथा बाकी 20 किलो में हड्डी, मांस, पंख, चोंच,
पंजे आदि सब। और फिर आता है आखिरी कवच, शरीर का ताप गिरा देने की अनोखी क्षमता। जब पेंगुइन पानी में शिकार के लिए डुबकी लगाती है या तूफानी मौसम में सर्द हवा की तीखी मार झेली खड़ी होती है तो वह अपने खून का ताप ही कम कर देती है, जिससे कम ऊर्जा में भी देह का गर्म बनाए रखा जा सके। इसके बाद भी एम्परर पेंगुइन शीत ऋतु में घने झुंडों में खड़े होकर शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। बॉडी का संतुलन बनाने के लिए पूंछ और पंखा उपयोग करते हैं, पैरों पे चलते हैं और अपने पेट से फिसलते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे दूसरा वीडियो बनाया जाए और पेंगुइन की शिकार जो स्कूबा एंड सील करते हैं उस पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर दिखिएगा कि दूसरा वीडियो बनाए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। ये कुछ मोमेंट्स है जो हमने विजिट किए थे लास्ट टाइम।